के बालीडीह हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोगों के मन में डर समाया हुआ है। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उनके आवास पर सरकार कब्जा न कर ले या फिर उन्हें बेच न दे। आखिर उनके मन में ही डर क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार ने 1980 में बोकारो के बालीडीह में आवासीय बोर्ड यानी हाउसिंग बोर्ड के तहत इन आवासों का निर्माण कराया था, लेकिन सरकारी लेट लतीफी और सुस्ती के कारण अधिकतर आवासों को आवंटित नहीं किया जा सका। तब से लेकर अब तक कई परिवार इन घरों में रहते आ रहे हैं। कुछ रेंट देते हैं और कुछ यूं ही रह रहे हैं। आज इनके सामने आवास छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है। अभी क्या किया है कि हाईकोर्ट का ले लिया है बहाना कि हाईकोर्ट से आदेश हुआ वो हुआ और लेकर के अपना खाली कराना शुरू कर दिया है। सबसे पहले पहुंचा वहां जहां सबसे कमजोर लोग हैं, जिन लोगों का कोई आधार नहीं है। इस कॉलोनी में जो 144 क्वार्टर है, ये 144 प्लस वहां पर 12-14 हैं। ये लोगों के पास ऑथेंटिक सारा पेपर है, कागज है, अलॉटमेंट है, सब कुछ है, फिर भी जलील करता है। हर 10 साल 5 साल के बाद नौटंकी शुरू कर। हम लोग ऐसे धनबाद में हजारों बार दौड़ते रह गए ऑफिस में। एक ओझा जी भी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे भी हम लोगों की बात हुई थी तो बोले कि घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को प्रक्रिया होगा। पेपर भी हम लोग दिखाए तो बोले कि इससे घबराना नहीं है, आप लोगों को अलॉटमेंट किया जाएगा। जो भी आया अलॉटमेंट किया जाएगा होता है, फिर इसके बाद निकाल देता है लोग कि नहीं खाली कीजिए। अधिकतर आवासों के दरवाजे खिड़कियां गायब हैं, मरम्मत के अभाव में सबके सब जर्जर हो गए हैं। ऐसे में कोई इन्हें लेना नहीं चाहेगा। लोगों की मांग है कि इन्हें परमानेंट रेंट पर आवास दे दिया जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हुए, सारी जितना सब एड्रेस है, आधार कार्ड है, सब इसी पर आधारित है। हाँ, सरकार के ऊपर हम लोग डिपेंड डालते हैं कि सरकार हम लोग को लीज पर दे, बढ़िया से सबको देखते हुए रेंट में दे, हम लोग देने के लिए तैयार। अभी काफी डर लगा हुआ, हम लोगों को एग्रीमेंट किया गया, अलॉटमेंट किया गया, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसको लगता है कि एक बार नोटिस दिया कि आप वो जो अलॉटमेंट है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। और हम लोग हर समय भयभीत रहते हैं कि मतलब जब रेंट नहीं लिया जा रहा है तो हर समय भयभीत है। आज इन आवासों की मरम्मत की जरूरत है, साथ ही उचित मूल्य पर किसी को दे देने की भी जरूरत है, ताकि सरकार को राजस्व मिले और लोगों को मकान मिले। बोकारो से न्यूज 11 के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।